भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वजीरपुर का कंप्यूटर मार्केट में आड इवन के हिसाब से लाल और हरे रंग के गोले बनाए गए हैं। लाल रंग वाली दुकान आज खुलेंगे, हरे रंग वाली दुकानें कल खुलेंगे। आपको बता दे, आज से दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत ऑड और इवन की तर्ज पर मार्केट खोले जा रहे हैं। दुकानदारों को आड इवन के आधार पर दुकान खोलने में परेशानी ना हो, इसके लिए लाल और हरे रंग के गोले बनाए गए हैं। लाल रंग के गोले वाली दुकान है आज 8 दिन खुलेंगे और हरे रंग की गोले वाली दुकानें हैं इवन दिन पर खोली जाएंगी, जिससे मार्केट में लोगों की भीड़ ना लग सके। साथ ही साथ कोरोना के नियम का भी पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। लोगों को उचित दूरी बनाए रखने और जो लोग मास्क नहीं लगाकर आएंगे उन पर पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ दुकानदारों के द्वारा जो भी ग्राहक आएगा उसके हाथ सैनिटाइज किए जाएंगे और बिना मास्क लगाए हुए ग्राहक को सामान नहीं दिया जाएगा। वजीरपुर कंप्यूटर मार्केट में लगभग 400 से ज्यादा दुकानें हैं, जिनको आडीवन के हिसाब से खोलने पर संक्रमण फैलने से बचाव भी हो सकेगा और लोगों को आर्थिक दिक्कतों में भी कुछ मदद हो सकेगी। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। सर गौरव नाम मेरा। गौरव जी, आप एक कंप्यूटर मार्केट में आए थे सामान लेने, काफी टाइम से मार्केट बंद थी, क्या आपने आइटम लिया, क्या रेट के मिला? रेट देखो, अप्रोच अगर देखा जाए मेरे को ऑनलाइन से तो सस्ता है, बट जो पहले रेट था उससे महंगा है। कितना महंगा है सर? जैसे ये है मेरे को 4100 रुपये की पड़ी है, लास्ट टाइम मैं 3500 की लेके गया था। रैम है, ये प्रोसेसर है, ये 11000 का था, अभी मेरे को इन्होंने 14 का दिया है। ये मदरबोर्ड है, ये 4500 का था, ये 5000 का दिया। तो अप्रोक्स देखा जाए 2-2500 रुपये समथिंग मेरे को महंगा पड़ेगा। सारे सामान को प्लस मिला है, ऑनलाइन से सस्ता है और ऐसी मार्केट मिली तो कितना पर आइटम पे कितना पैसा ज़्यादा लगा है? सर पर आइटम देखो तो 600 रुपये इस पर ज़्यादा है और इस पर 2000 रुपये ज़्यादा है और इस पर 500, तो वही 3000 समथिंग, 3-3.5 के करीब महंगा पड़ा। क्या नाम है सर? सौरभ दुबे। दुबे जी, ये मार्केट है कंप्यूटर मार्केट अशोक बिहार में है, आज ओडियन लग गया है, दुकानों कितनी खुली हुई है, क्या क्या मार्क किया गया है? हमारे यहाँ 452 दुकानें लगभग, और दिल्ली गाइड पुलिस गाइडलाइंस के हिसाब से और एसोसिएशन के हिसाब से पूरा पालन हो रहा है। जो आज पहला दिन है तो आज रेड मार्क की दुकानें खुली हुई हैं और कल ग्रीन मार्क खुलेंगी, एक दिन और एक दिन इवन, उस हिसाब से खुलेंगी। और मार्केट में वैसे भीड़ नहीं है और पूरा प्रशासन के हिसाब से दूरी मेंटेन करके लोग काम कर रहे हैं। दुकान पे आने जाने वाले का क्या सुविधा दिया जा रहा है आपको? वैसे तो ज़्यादातर सब ने एक रस्सी बांध रखी है कि डिस्टेंस हो, दूसरा सैनिटाइज कर रहे हैं, सामानों को सैनिटाइज किया जा रहा है, दूरी सबसे जरूरी, दूरी और मास्क जो लोग मेंटेन कर रहे हैं। हमारे यहाँ विदाउट मास्क की एंट्री नहीं है और विदाउट सैनिटाइजर कोई भी सामान रिसीव नहीं किया जाता। तो क्या कोई व्यक्ति आता तो आप सैनिटाइज खुद कर रहे हैं? बिल्कुल, सैनिटाइज हमने लगा रखी मशीन, वो आप खुद भी कर सकते हैं, स्प्रे भी रख रखा है मशीनों पे, जो इस पार्ट मशीन ला रहे हैं स्पेयर पार्ट है सब पे सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद भी इन आउट किया जाता है। क्या नाम है सर? एसके गुप्ता। गुप्ता जी, वजीरपुर कंप्यूटर मार्केट इतनी बड़ी है, ऑडिवन आज से चालू हो गया, किस तरह से आप लोग फॉलो कर रहे हैं? सबको, सबकी दुकान के आगे सर्कल लगा दिए 6 फुट की दीवारी पर, और रेड और रेड और ग्रीन मार्किंग कर दी ऑड और इवन के लिए, पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, कोई भी इसका इन्फ्रिंजमेंट नहीं, रूल पूरी तरह से चालू हैं, पूरी तरह से लोग इसका पालन कर रहे हैं। बिना मास्क के किसी को आने नहीं दिया जाता और दुकान पे खड़े होने से पहले सैनिटाइज कराते हैं। दिल्ली पुलिस का किस तरह से आप लोग का सहयोग मिल रहा है? जैसे दिल्ली सरकार के आदेश थे उसी का पालन हो रहा है। अजय नाम है सर मेरा। अजय जी, ये मार्केट है कंप्यूटर मार्केट सबसे बड़ी है जी जी जी, क्या ओडियन लगने से कितना प्रभाव पड़ा है, क्या मार्केट किया गया दुकानों का? सर बेसिकली अभी आज तो मार्केट खुली है, अब खुलने के बाद दिल्ली पुलिस और एसोसिएशन वालों ने हमारे यहाँ मार्केट में जो सभी दुकानों के बाहर रेड और ग्रीन का ऑड इवन करके इन्होंने मार्क किया हुआ है, एक दिन रेड वाले खुलेंगे एक दिन ग्रीन वाले खुलेंगे। और अभी तो मार्केट आज खुली है, देखो इतना वैसे तो मार्केट ऑलमोस्ट खाली ही पड़ी है, देखते हैं क्या रिस्पांस निकलता है इसका, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग मार्केट में आने से डर भी रहे हैं और दुकानदार भी डरे हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, दिल्ली पुलिस और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए सब चीज़ें हो रही हैं,
ताकि लोग भी सुरक्षित रहें और सबका काम धंधा भी थोड़ा बहुत चलता रहे। मार्केट में सर कितनी दुकानें हैं? मार्केट में सर होंगी अप्रोक्स 300 के आसपास की दुकानें होंगी। आज मार्केट में 150 दुकानें खुलेंगी, 150 कल खुलेंगी? हाँ जी, गाइडलाइंस के हिसाब से यही है कि आधी दुकानें आज खुलेंगी और आधी दुकानें कल खुलेंगी। जो दुकानें आज खुली हुई हैं वो कल बंद रहेंगी, और जो कल आज बंद है वो कल खुल जाएंगी।